ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 25 जनवरी 2021, मंडे है, सुबह के 8:31 हो रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, चार ही ट्रेडिंग सेशन होंगे इस वीक में, तो आज हो सकता है काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले, कल छुट्टी आ रही है। तो सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं, फिर इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यह है फ्राइडे का सिनेरियो, यानी 22 जनवरी आफ्टर मार्केट आवर्स, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,620 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 14,514। तो जैसे कि आप देख पा रहे निफ्टी इंडेक्स ये रेंज के बीच में ओपन हुआ, और जैसे ही फर्स्ट टाइम इसने साउथ की तरफ आने की कोशिश की तो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर एग्जैक्ट इसने ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया। तो इस लेवल के अंदर, इस जोन के अंदर काफ़ी देर ये ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 14,494 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ, सेकेंड टारगेट 14,473 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। जैसे यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की, 20 EMA के पास ब्रेकडाउन लेवल आ रहा था, वहाँ पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करके ये टूवर्ड्स जोर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ ही आया। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ग्लोबल मार्केट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। लास्ट 2 डेज से देखा निफ्टी में हमने एक ज़बरदस्त करेक्शन आते हुए देखा है, लाइफ टाइम हाई अचीव करने के बाद ये करेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करना भी लाजमी होता है, तो ये करेक्शन भी मार्केट में आना काफ़ी पॉजिटिव नोट की तरह हमें लेना चाहिए। US मार्केट देखे फ्राइडे को हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुए, वहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स लास्ट 3 महीने से कुछ खास नहीं कर पा रहे। एशियाई बाजार देखे, SGX निफ्टी आज ज़बरदस्त बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, 135 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। जापानीज इंडेक्स भी 135 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 92 पॉइंट्स की इस समय बढ़त देखने को मिल रही है, जहां पर ये बोरिंग कैंडल क्रिएट हुआ है 8 जनवरी का, इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, तो एक साइडवेज पैटर्न हमें US मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, नया वीक शुरू हो रहा है। सबसे पहले RSI देखें तो अभी भी ओवरबॉट जोन में है वीकली चार्ट में, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का हम चार्ट देख रहे हैं। और ऊपर अगर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने यूज़ किया था, लास्ट स्विंग हाई लो पकड़ के इसको ड्रॉ किया था, तो इसका 250% का ये जो लेवल है 14,623 ये यहाँ पर अचीव हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट 2 कैंडल्स देखे तो दोनों भी रेड कैंडल बने हैं, लास्ट वीक के नीचे आके ये क्लोज हुआ है, और ऊपर में दोनों ने भी काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया है, यानी ऊपरी स्तर पर यहाँ पर फिर से एक बार बेयर्स कंट्रोल लेने के मूड में है। तो जब तक 14,620 के ऊपर सस्टेन ना हो डेली चार्ट में, तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। अभी फिलहाल 2 वीक यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, तो अगर यहाँ से और करेक्शन गहराता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 14,000 फर्स्ट सपोर्ट होगा, इमीडिएट सपोर्ट, यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक देखने को मिले। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम, जस्ट वीकली सिनेरियो कैसी इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं अभी डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन वर्सेस RSI एक निगेटिव डाइवर्जन यहाँ पर देखा था, कैसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करके। प्राइस एक्शन यहाँ से हायर हाइज क्रिएट कर रहा था, तभी RSI ने भी यहाँ पर हायर हाइज क्रिएट कर रहे थे,
लेकिन जब प्राइस एक्शन में सेकेंड हायर हाई बना तभी RSI हायर हाई बनाने को फेल हुआ था, यहाँ पर लोअर हाईस क्रिएट हुए थे। तो यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा था क्योंकि बुल्स का यहाँ पर कंट्रोल खो चुका और यहाँ पर 2 दिन से लास्ट हमने एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट होगा 20 EMA का, जो कि अराउंड अभी 14,260 के पास है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, लास्ट टाइम हमने ये जो हाई बनाया था यहाँ पर ड्रॉ किया था, जब 23.6% का ये जो लेवल है ये अचीव होने के बाद बाउंस बैक आया था। तो अभी अगर ये नेक्स्ट हाई को यहाँ पर पकड़े तो अभी एग्जैक्ट इसने फ्राइडे को क्लोज दिया है इसी लेवल के पास 14,371, इस लेवल था 14,370। तो अभी यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा ये 20 EMA यानी 14,260 के पास। अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है और जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक दिखाए। 20 EMA के नीचे चला जाएगा तो यहाँ से मिड टर्म करेक्शन हमें और गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सपोर्ट 14,260 का सपोर्ट मान के चले यहाँ पर। तो यह डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो था। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये 14,370 का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है और 100 EMA का भी आर्ली चार्ट में सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर इसने ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले सपोर्ट टेस्ट करके एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया था। तो अगर 100 EMA को ब्रेक करता है तो ही यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए आज यहाँ पर सेल पोजिशन बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा कल के लो के नीचे, यानी फ्राइडे के लो के नीचे 14,354, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा और फर्स्ट टारगेट होगा 14,332, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 14,309, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये आज जैसे कि SGX निफ्टी देखने को मिल रहा है, 100 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है, तो पिवट पॉइंट का फर्स्ट हर्डल है यहाँ पर और एक ज़बरदस्त रेड कैंडल यहाँ पर बना हुआ है आर्ली चार्ट में। और जस्ट इसके ऊपर अगर देखें तो इसने रेजिस्टेंस फेस किया था कुछ दिनों पहले यहाँ पर। तो इन सबको अगर ब्रेक करता ही है यहाँ पर अराउंड 14,483 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,500, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 14,517, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो ये जो पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है, इसके बाद 20 EMA का भी हर्डल है, इन सब लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बने। अदरवाइज गैप अप ओपन होने के बाद ये फिर से अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करता है तभी पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है। चलते बैंक निफ्टी में क्या आज हो सकता है वो देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें डेली चार्ट में, ये एक लो, ये दूसरा लो, ठीक है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये लो और इस लो को पकड़ के, जो भी लोज दिखाई दे रहे हैं उसको पकड़ के हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन जो लॉन्गर उससे बड़ा ट्रेंड लाइन है उसका अभी तक इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो हो सकता है यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। जब बाउंस बैक करेगा तब ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, हो सकता है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करे अराउंड 31,700 के पास। तो जैसे ही 700 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये अभी कम्प्लीटली एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का। तो हो सकता है मिड टर्म ट्रेंड लाइन का ये अगर ब्रेकडाउन दे दे तो और तेज़ी से यहाँ से हमें फॉल दिखाई दे सकता है और तभी हमारा सपोर्ट लेवल होगा 30,250 के पास, जो कि 50 EMA का ये ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलना ज़रूरी है, अभी सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये देखेंगे।
आर्ली चार्ट में जैसे हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद और तेजी से बैंक निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स साउथ की तरफ आ गया। तो आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल होगा फ्राइडे के लो के नीचे अराउंड इस लेवल के पास। आप देख सकते हैं इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके पास्ट में बाउंस बैक दिखाया था। तो 31,081 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 31,009, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 30,923, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और ब्रेकआउट लेवल होगा पीवट पॉइंट का ये लेवल। आप देख सकते हैं ये आर्ली चार्ट में इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है लास्ट 2 आवर से। ये जो रेड कैंडल बनी है इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसका हाई ओपन ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो पीवट पॉइंट का हर्डल है, और यहाँ पर भी पास्ट में एक ये दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इन हर्डल्स को ब्रेक करता है 31,472 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 31,543, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 31,604, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।